संग्राम टीवी दे प्रोग्राम लोकां दे मसले दे तहत अज असी उचेरी सिक्ख्या बारे गल्लबात करांगे। उचेरी सिक्ख्या दी गल्लबात करन वास्ते उग्गे सिक्ख्या माहर प्रोफेसर जयपाल सिंह हुणी साडे दरम्यान ने। असी उन्हां नूं सभ तों पहलां जी आयां कहांगे। जी आयां जी, धन्नवाद जी गिल साहब। प्रोफेसर साहब, जिवें कि आपां पहले ही दस्सिया भी अज आपां उचेरी सिक्ख्या बारे गल करांगे, पंजाब दे विच इस सिक्ख्या दा की भविख है। भविख जानन वास्ते असीं समझांगे भी सरकारां इहदे बारे की कर रहियां ने, ते नाल ही असीं इह समझण दा यतन करांगे इहदे ते कुल किन्ना जिहड़ा बजट जिहड़ा रख्या जा रिहा, ते कालजां दी स्थिति की आ, साडे जिहड़े उत्थे पढ़ाउण वाले अध्यापक आ उहनां दी स्थिति की आ, इहदे बारे तुहाडे तों जानना चाहवांगे भी असल च हो की रहा। जे असी भविख की गल करांगे ते उहदे ते ते सारयां नूं सानूं पता ही है, पर असी थोड़ी स्थिति जानना चाहांगे पंजाब दे विच इस वेले जिहड़ी उचेरी सिक्ख्या जित्थों साडे बच्चयां ने प्राप्त करनी आ, उह तुसीं उहनूं किस ढंग नाल किस नज़रिए नाल वेख रहे हो? दरअसल उचेरी सिक्ख्या दा हाल पंजाब दे विच बहुत ही माड़ा है। चाहे वह पंजाब दियां यूनिवर्सिटियां का सवाल होवे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर वगैरह, चाहे वह पंजाब दे सरकारी कालजां का हाल होवे जी, ते चाहे वह पंजाब दे प्राइवेट एडिड कालजां का हाल होवे जी जी, हर एक की स्थिति बहुत माड़ी है। ते इन्हां दे विच पिछले लंबे समय तो सरकार ने जो फंड देने बनते हैं उन्हां तो बड़ी पद्धर ते हाथ पिछाहां खिंचया होया है जी। जदों तो 1990 तो नावोदारवादी नीतियां आईयां ने जी, जिन्हां नूं आपां ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ते लिबरलाइजेशन दीआं नीतियां कहिंदे आ जी। उन्हां नीतियां तो बाद सरकार वल्लों ये हो गया भी इन्हां नूं चलाउणा साडा कोई कम नहीं, आपे प्राइवेट प्लेयर आउण ते इन्हां नूं चलाउण, जिहड़ी जी जेब च पैसा है वह इस सिक्ख्या नूं खरीद लवे। इस बद नीति दे तहत जी जी इन्हां संस्थावां दा हाल माड़ा हुंदा गया जी, क्योंकि जे सारिआं नूं डिस्कस करना होवे वाहवा टाइम लगेगा जी। अज दा अपना विशा इस उचेरी सिक्ख्या दा एक महत्वपूर्ण अंग सरकारी कालजां नूं ही आपां केंद्रित करांगे जी जी जी। जिथों तक सरकारी कालजां दा सवाल हैगा, पिछले काफ़ी लंबे समय तो 70वें तो लैके कुछ कु प्राइवेट कालजां नूं सरकार अपने अधीन लैंदी रही, ते उहनां नूं टेकन ओवर कालज असीं कहिंदे आ, जिहड़े सरकार ने प्राइवेट तो मैनेजमेंट तो लैके अपने कंट्रोल च कर ले। बहुत सारे अजिहे कॉलेज ने, गौरमेंट कॉलेज सठियाला है, गौरमेंट का गुरु नानक कॉलेज काला अफगाना है, शहीद ऊधम सिंह कॉलेज सुनाम है, इस तरह किन्ने ही कॉलेज कई बार तीन चार बारी अड अड फेज दे विच वह कॉलेज सरकार ने ले। कुल मिला के इन कॉलेजां दी गिणती जिहड़ी है वह 47 बनी आ के 2000 दे नेड़े तक जी जी जी। 47 काल जिहड़े है वह रहे इस तरह नाल, ते उन्हां 47 कालजां दीआं जिहड़ियां कुल पोस्टां ने उन्हां समयां दे विद्यार्थियों की गिणती दे हिसाब नाल चलदे कोर्सां दे हिसाब नाल 2024 सी जिहड़ी टीचरां की गिणती सी। ठीक है जी। इस तरह उत्थे लैब स्टाफ है जिहड़ा, जिहड़े खास तौर पर जिन्हां सबजैक्टां दे विच प्रैक्टिकल हुंदा है, फिजिक्स है, कैमिस्ट्री है वगैरह, जियोलॉजी है, बॉटनी है, उन्हां दे विच जिहड़ा लैब स्टाफ है JLA SLA लैब अटेंडेंट ते इस तरह उस स्टाफ दी भी एक खास बड़ी गिणती सी जिहड़ी उह उस टाइम सी जी जी। इस तरह कोई भी कॉलेज कॉलेज नहीं कहा सकता जिन्ना चिर उत्थे लाइब्रेरी फंक्शनल ना होवे, बुक्स होण ते उत्थे लाइब्रेरियंस होण ते उत्थे लाइब्रेरी रिस्टोरर होण, जिहड़े किताबां जो बच्चे पढ़ के गए उन्हां नूं दोबारा फिर शैल्फां ते रखण वगैरह देण लैण। जे ये सिस्टम नहीं है तां आपां किसी कॉलेज नूं उहदी बिल्डिंग देख के कॉलेज नहीं कह सकांगे। होया यह है कि यह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दीआं नीतियां तों बाद जी
हाल ये होया कि लाइब्रेरियन दियां कोई पोस्टां नहीं भरियां जी, बहुत सारे कॉलेजां दे विच कोई लाइब्रेरियन है ही नहीं जी जी। लैब स्टाफ दा हाल ये हो गया भी लैब्स दे विच भी बंदे है नहीं जी जी। टीचिंग स्टाफ दा ये हाल हो गया कि टीचरां दी भर्ती जिहड़ी है एक बैच रेगुलर बैच जिहड़ा फुल फ्लैश्ड वो सरकारी कॉलेजां च 1996 च उन्हें भर्ती किया गया। उन्होंने दसंबर 1996 ज्वाइन किया कोई 250 के करीब बंद ने जी जी। उदू बाद छिटपुट तो गल् हुई ने भर्ती वाली भी 1997 14 बंदे रख ले किसी रिजर्व कैटेगरी का जोड़ा कोटा सगा जा फिर आके बाद रवि सिद्धू केस पै गया वो बहुत सारी सिलैक्शन इदा ही रद्द हो गई। उन्होंने कुछ बंदे नॉन टेटेड कह के रखे गए जा फिर एक अंग्रेजी के टीचर रखे गए। वो इन छुटपुट बंद कह छड के जेडे कि 100 तो भी घट बनते हैं मुड़ के कदे 1996 तो बाद रेगुलर भर्ती का बैच होए ही नहीं गा। 96 नू लंघिया अज 26 साल हो गए 25 साल तक कॉलेजां दे विच कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही। सरकार ने पैसे बचाउण दे पक्ष तो एक तो कॉलेज टीचरां नू जिहड़ा भी कॉलेज दे विच किसे क्लास नू पढ़ाउंदा है ते जिहड़ा भी बंदा सरकार वल्लों पैदा कीती क्रिएट कीती रेगुलर पोस्ट दे अगेंस्ट लग्गिया है उहदी पूरी फुल स्केल च तनखाह दा उह हकदार है। कोई भी टीचर जी जी उहदा हकदार है उहदियां छुट्टियां दा उहदा जे लड़कियां ने साडियां बेटियां उहनां दी मैटरनिटी लीव दा होर जिहड़े सर्विस नाल रिलेटड मुद्दे है जी जी उह उहनां दे पूरे हकदार हुंदे है जी। उहनां नूं इहनां सारियां गल्लां तों बेहक करन लई सरकार ने नवें नवें नां कढ ले जी। एक नां कढ़िया जिहनूं पार्ट टाइम टीचर कहिंदे है जी। पार्ट टाइम तो लगता है भी वह कुछ समा कॉलेज आते हैं थोड़ा क पढ़ाते हैं तो चल जाते हैं जी लगता है पर यह नहीं है जी। जिन्ना उत्थे किसी कॉलेज दे विच कोई रेगुलर बंदा पक्का बंदा कम करता है कॉलेज रहिंदा है पढ़ाउंदा है ते जिहड़े जिहड़े कम होर वह करता है कॉलेज दे पढ़ाउण तो बिना वह सारे कम वह पार्ट टाइम भी करता है। उन्हें यह दसन लई मानसिक रूप से उन्होंने ये दसन लई भी तू पूरा टीचर नहीं है उसनू पार्ट टाइम का उहदे ते अपनी जान च इक कलंक उन्हां नां दे तौर पर लाने की कोशिश की है सरकार ने जिदे करके उन्होंने कुछ थोड़ी जी वजमी तनखा मिलती रही बहुत साल जी। तो जे उन्होंने तनखा के कोई एरियर बन गए वो भी नहीं देंदे रहे लटकाउंदे रहे उहदे च जी जी। अखीर च 2011 च जाके उन्होंने डीए देता पर इनक्रीमेंट कोई भी नहीं दी। इस तो पहला एक इंतजाम कॉलेजों च हुंदा सी 78 79 तो लैके एडहॉक टीचर हुंदे सीगे जी जी जी। उन्होंने कुछ समा रखते फिर कढ़ दिंदे सी फिर उन्होंने स्टे ले ली तो होर लगातार जारी रही उन्होंने सर्विस उन्होंने हर साल इनक्रीमेंट मिलती सी उन्होंने पूरा तनखा स्केल मिलता सी उस गल वो बाद दे विच कुछ रेगुलर हो गए कुछ सिलेक्ट हो गए सरकार दे जिहड़ा सिस्टम है उहदे विच PPSC राही ते उस गल तो बचण लई इहनां नूं एक नवां नां देता पार्ट टाइम तां कि उहनां नूं आ सारियां चीज़ां असी ना देईए सिर्फ पैसे बचाउण ते एजुकेशन तो खेड़ा छडाउण दे पक्ष तो इस किस्म की एक बद नीति लिआंदी गई। इत्थी खेड़ा नहीं रहा है इत्थी गल नहीं बची उहनां नूं सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के प्रोटैक्शन देती भी तुसीं जिहड़े हो सरकार नूं कहा भी एक पार्ट टाइम नूं हटा के उहदी थां ते कच्चा बंदा रखना कच्चे इंतजाम का बदल कच्चा इंतजाम नहीं करिया जा सकता जी जी। कच्चे इंतजाम का बदल पक्का इंतजाम हो सकता तुसीं PPSC चों बंदे रखो तो फिर इन्हां नूं चाहे हटा सकते हो पर जदों तक तुसीं PPSC तों बंदे नहीं रखते इन्हां नूं नहीं हटाउणा चाहिए। हुण आलम यह हो गया भी जिहड़ा टीचर एक पार्ट टाइम लग्या होया है जे सरकार भर्ती करे तो यह कल नूं नवां भर्ती हो के पूरियां चीज़ां दा हकदार है। एक तो उस नूं लंबे समय तो उस हक तो वांझा किया गया इस टीचर नूं बजाते खुद
दूजा उहदे दिमाग दे उत्ते अनसर्टनिटी की तलवार लटकाई पई है भी जे मेरी सिलैक्शन ना हुई कोई PPSC तो आ गया तो मैं कढ़िया जाऊँ। उन्होंने भी 20-20 साल हो गए सर्विस करदियां नूं, उन्हां चों कई सारियां दी रिटायरमेंट भी नेड़े आ गई, उन्होंने रिटायर हो जाना है, उन्होंने किसी तरह का कोई रिटायरमेंट का ना ग्रैचुटी ना कोई लीव एन कैशमेंट ना कुछ होर कख नहीं मिलना। वह जहे जे बेचारे आए सी उहे जे ही तुर जाने, सिर्फ आ तनखा तनखूह लैके 2011 तो बाद उन्होंने DA मिलना। ये अपने जिहड़े भरा अध्यापक कॉलेज दे हैगे आ उन्हां दीआं समस्यावां ते आपां चर्चा कर ली, पर ये तो बिना जिहड़े पिछे जिहे इन्हां ने कुछ कॉलेज नवें भी बनाए सीगे वह कहण नूं तां सरकारी बनाए सीगे ते उन्हां ने उहदा नां रख्या सी यूनिवर्सिटी कॉलेज। इस तरीके दे नाल कुछ कॉलेज जिदा जंडियाला मंझकी दा कॉलेज है वह बंद हो गया सी पिछले समय दे विच ते उहनूं उन्हां ने मतलब लै लिया यूनिवर्सिटी ने आप, हुण उह यूनिवर्सिटी दे नाम दे उत्ते मतलब कॉलेज जिहड़ा उहदा नाम बदल दिता। उहदे च पता लग्गिया वी प्रिंसीपल भी जिहड़ा आ कोई OSD ला के ही काम चलाया जाणा ते अध्यापक भी उत्थे पक्के नहीं रखे जाने। इस किस्म के जिहड़े कॉलेज ने उन्हां दी स्थिति की आ कि वह मतलब जिहड़े एक आपां आस करदे हुंदे वी सरकारी कॉलेज हैगे आ जिथे फीसां जिहड़ियां घट होणगियां आपां विद्यार्थी ये सोच के तुरदा, ते उन्हां कॉलेजां दी स्थिति की है? वह कॉलेजां च दो तीन किस्मां हैगियां ने। एक कॉलेज तां उह ने भी जिहड़े यूनिवर्सिटी ने शुरू च ही कोई अपने कंस्टीट्यूएंट कॉलेज बनाए जां किसी कॉलेज नूं लै लिया। मुकंदपुर का प्राइवेट कॉलेज सी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने लै लिया, उन्होंने अपना कंस्टीट्यूएंट कॉलेज बना लिया। कुछ कॉलेज वो ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम सी भी जिथे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER घट है देश दे विच, उन्होंने जिले के कॉलेज खोलने की सरकार वालों एक खास एक टाइम लिए ग्रांट दिती जानी सी। पंजाब सरकार ने जो भी चाहे पहला बादल साहब की सरकार रही हो, अमरिंदर सिंह की रही हो, उदू पहला अमरिंदर सिंह की रही हो, इन्हां सरकारां ने वो ग्रांटा रूटा लैके कॉलेज शुरू करवा के उन्हां दा आप प्रबंध करन दी बजाए वो यूनिवर्सिटियां नूं मड़ दिते, जां कुछ क यूनिवर्सिटियां ने खुद भी लै ले, जां कुछ उन्हां नूं मजबूर करता भी तुसीं संभो ये जी। वो बहुत सारे तिन्नों यूनिवर्सिटिया च वो कॉलेज हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी हैं, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी भी हैं, तो उन्होंने नाल पंजाब के जिहड़े अपदे कॉलेज से जिवें तुसीं जंडियाले की गल की है, इदा ही सठियाले का कॉलेज से वह भी सरकार ने 6 साल पहला इदा ही लिया, 6-7 साल हो गए जी। पट्टी एक कॉलेज पहला बहुत पुराना सरकारी कॉलेज पट्टी होया करता, उदू बाद एक उत्थे पट्टी फिजिकल कॉलेज खुल गया, दोनों कॉलेज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नूं देते नाल, मतलब शगन वजो नाल अपने जिहड़े पुराने कॉलेज है वह भी दिंदे गए। सो कॉलेजां दी गिणती दे बारे च भुलेखा यही रहिंदा रहा भी असल सरकारी कॉलेजां दी गिणती किन्नी है किसे टाइम ते, क्योंकि एक सरकार कॉलेज दिंदी है उधर ते दूजा कोई खोल लैंदी है। हुणे हुणे एक स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर है, वह सरकार ने इस तरह ही किया, तो उही स्टाफ नूं चक के एक बूटा मंडी च कॉलेज खोलता। जलंधर के लोगों को भुलेखा देने लई भी असी एक सरकारी कॉलेज खोलता नवा, वो अपने खाते च पा लिया है, वो पहला वाले कॉलेज नूं इधर लिया उत्तों ग्रांटा शरांटा का। सो इस तरह के नाल जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ने चाहे वह पंजाब यूनिवर्सिटी के है, चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी के है, तो चाहे वह हैगे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, उन्हों सारे टीचर दियाँ जिहड़ियां सर्विस कंडीशन है वो भी साढ़े ये पार्ट टाइम नालों भी माड़िया ने। एक जिहड़ी गल विचों रह गई, सरकारी कॉलेजां च दो किस्म के होर टीचर ने जिहड़े सरकारी कॉलेज कहाउंदे हन, यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है वो जिहड़े हैगे है, उन्हां दे विच एक नूं कहिंदे गैस्ट फैकल्टी। असल च गैसट फैकल्टी हुंदी है भी बहुत प्रोमीनेंट कोई बंदे अपने फील्ड दे हैगे आ, उन्हां नूं कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज अपने सद के लैक्चर दिंदा है, तो चंगा हैंडसम अमाउंट उन्हूं पर गैसट देंदे है, वो रेगूलर नहीं रोज़ नहीं आउंदा, वो उन्हूं कदे कदे उहदे लैक्चर कराउंदे है। इत्थे ये है कि शुरू दे विच 175 रुपये घंटे दे हिसाब नाल, पीरियड नहीं, किसी कॉलेज 40 मिनट का पीरियड होऊ, किसी 45 मिनट का होगा,
जी एक महीने दे जिन्ने पीरियड बन गए उन्हां मिनटां तो घंटे बना के 175 दे हिसाब नाल उहदे किन्ने रुपये बन गए जी। जे उह रुपये 7,000 तो वध गए तो उहनूं 7 तो ताहां नहीं देने। अच्छा जी। जे 7 तो घट बन गए से 5,000 बन गया तो उहनूं 5 देना है। दसंबर च मान लो छुट्टियां होनियां हुंदियां ने, एग्जाम भी होने हुंदे आ, उहनां दीआं क्लासां नहीं लगदियां तो कई बार दसंबर चुनू 2,000 रुपया भी नहीं मिलता इन्हों टीचर। इस तरह बाकी दिन बाकी महीनों के हाल रहा। हौली हौली गल बनती गई फिर उन्होंने एक खास फिक्स अमाउंट देनी शुरू कर दी। तो सारी दुनिया च भारत के खास तौर पर कितने भी वो मॉडल नहीं होगा भी सरकार की आपकी पक्की पोस्ट है उदे ते कोई बंदा काम करता है तो उस बंदे तनखा दे ना दे उत्ते सरकार वल्लों एक रुपया भी ना दिता जाए। इकला मॉडल पंजाब दा सी ऐसा ये गैस्ट फैकल्टी वाला। मैं अक्सर मजाक वजो कई बार कहना हुंदा भी ये तो सरकार दा ये काम है जी। भी खाओ पीओ अपना ते जस गाओ साडा। ठीक है प्रोफेसर साहब आखिरी सवाल आपां ले लईए भी टोटल बजट जिहड़ा आ सिक्ख्या दे उत्ते खास करके उचेरी सिक्ख्या ते किन्ना क बजट जिहड़ा आ इस वेले जिहड़ा खर्चा जा रहा है। देखो बजट नूं मिलण दीआं दो तीन गल्लां हैगीआं ने। एक तो बजट नूं मिलण दा तरीका है भी GDP दा बजट जी वो आल इंडिया लैवल ते भी कोठारी कमिशन ने 6% कहा सीगा अज तक कदे भी 6% नहीं खर्चा किसी भी सरकार ने जी जी। तो एक हैगा भी जिहड़ा एनुअल बजट आउंदा हैगा उस एनुअल बजट के सिक्ख्या ते किन्ना क जांदा है वह भी 3-4 तो वध नहीं जांदा एनुअल बजट के भी जी जी। सो जदों तक बजट जिहड़ा है इन्हां कम्मां लई नहीं जाऊगा जी जी उन्ना चिर तुसीं क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं सकते जी जी। वह बजट लैब्स के लिए बाकी स्टाफ लई ते बच्चों नूं रहता देण लई क्योंकि प्राई जिहड़े साडे सरकारी कॉलेज है सरकारी कॉलेजां दी फीस प्राइवेट कॉलेजां नालों वख है जी जी। ते इत्थे आम तौर ते गरीब बच्चे पढ़ लैंदे है जी जी। ते जिहड़े बच्चे गरीब ने वो थोड़ियां फीसां भी कई नहीं दे सकदे मेरा निजी तजर्बा हैगा जी जी जी। ते उहनां लई कुछ रियायतां होर होण तां कि उह होर ज़्यादा इधर पढ़ सकण उहदे लई बजट 'च वड्डा वाधा लोड़ींदा है पंजाब सरकार दे लैवल ते भी ते केंद्र दी सरकार दे लैवल ते भी ताकि यूनिवर्सिटियां भी अपनियां स्टार ना होण वह भी भुखियां ना रहन बजटां वल्लों ते कॉलेज भी ना रहन ते जिहड़े प्राइवेट एडिड कॉलेज है उहनां नूं भी इसे तरह नाल धक्किया जा रहा उधर भी बजट मतलब जदों समुचे तौर पर सिक्ख्या दा ते उचेरी सिक्ख्या दा बजट वधूगा तो इन्हां सारियां संस्थावां ते उहदा चंगा असर पऊगा। ठीक है बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद तुसीं इस मुद्दे ते चर्चा कीती है। ये तो तस्वीर भी साड़ी साफ हुई है कुछ हद तक भी साड़ी उचेरी सिक्ख्या का भविख किधर नूं जा रहा है। थानू ये साड़ा प्रोग्राम किहो जिहा लग्या तुसीं इहदी फीडबैक जरूर दिओ असीं थोड़ी जरूर सुझावां ते अमल करांगे सुझाव थोड़े विचारे जाणगे। इजाजत दिओ मैं सरबजीत गिल संग्राम TV गल करिए संग्रामा दी।